हेलो स्टूडेंट्स तो हमने सोशल फार्मेसी का प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का पार्ट फर्स्ट पूरा स्टडी कर लिया था जिसमें आपके नंबर ऑफ यूनिट्स थे लाइक like आपका लास्ट उसमें था वैक्सीन और इम्यूनिटी राइट right? तो अब वैक्सीन और इम्यूनिटी के आगे का प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के अंदर जो पार्ट है वो है आपका इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ठीक है? है. है? तो तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या होती है? What is environment? Environment क्या है? आपकी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं और और आपको पता ही होगा लिविंग एंड नॉन लिविंग इसको हम बायोटिक एंड अबायोटिक भी कह सकते हैं बायोटिक मीन्स क्या है बायो मीन आपका यहां पर होता है लाइफ तो ऑब्वियसली जिस भी ऑर्गेनिज्म में जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में या ऑर्गेनिज्म है या कुछ भी ऐसी चीज है जिसके अंदर लाइफ है दैट इज वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर अबायोटिक है दैट मीन्स उसके अंदर लाइफ नहीं है बायोमीन्स लाइफ लाइफ उसके अंदर नहीं है तो वो क्या है नॉन लिविंग है ठीक है तो एन्वायरमेंट क्या होती है आपके सराउंडिंग में जितनी भी बायोटिक और अब अबिक चीज़ें हैं दैट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जितनी भी आपके सराउंडिंग में है वो सारी मिलकर क्या करती हैं एन्वायरमेंट बनाती है अब एनवायरमेंट जो है वो इंडिविजुअल की हेल्थ के ऊपर कैसे इफेक्ट डाल सकता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपके एनवायरमेंट का आपकी हेल्थ में कैसे क्योंकि आप एन्वायरमेंट में ही रह रहे हो एनवायरमेंट में ही आपका वाटर है लाइट है जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके सारे आपको एनवायरमेंट के थ्रू ही मिल रहे हैं तो अगर यहाँ पर यहाँ अगर कोई कंटामिनेशन होती है दैट इज़ अगर एन्वायरमेंट में कोई भी कंटामिनेशन है तो उसकी वजह से आपकी हेल्थ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट तो आएगा ही आएगा तो एनवायरमेंट का इफेक्ट क्या है आपकी हेल्थ में बेसिकली ये यहाँ पर स्टडी किया जाता है अब ये इन्वायरमेंट जो है वो एनवायरमेंट आपकी हेल्थ के ऊपर कैसे कैसे इफेक्ट डाल सकता है तो मेजरली इसका होता है पार्ट जो भी आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालेगा दैट इज़ फिजिकल पैरामीटर्स केमिकल पैरामीटर्स एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर्स फिजिकल पैरामीटर्स कौन से होते हैं फिजिकल पैरामीटर में आपको जैसे मिलेगा यूमिडिटी है यूमिडिटी लाइट रेडिएशन ये सारे पैरामीटर्स आपके फिजिकल पैरामीटर्स में आते हैं जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अल्टीमेटली आपकी हेल्थ को क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं ठीक है वैसे ही आपका केमिकल में क्या आएगा केमिकल में जैसे आप एग्रीकल्चर की स्पेसिफिकली हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में आप क्या करते हो क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए हम क्या करते हैं वहां पर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइजर्स को यूज करते हैं राइट पेस्टिसाइजर्स फर्टिलाइजर्स तो ये जो केमिकल्स हम हमारी क्रॉप्स के ऊपर लगाते हैं उसको इंसेक्ट से या फिर अदर जो भी पैरामीटर्स हैं अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी एनवायरनमेंट के ऊपर एनवायरनमेंट के थ्रू आपकी हेल्थ के ऊपर कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस या नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर डालते हैं ठीक है ठीके? और वैसे ही बायोलॉजिकल है बायोलॉजिकल तो बिल्कुल अंडरस्टूड है इसके अंदर आपके क्या आ सकते हैं बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ फंगी ये सारी चीजें ठीक है जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम स्टडी करते हैं या फिर जो हम माइक्रोब्स माइक्रोब्स स्टडी करते हैं वो सारी चीजें आपके बायोलॉजिकल पैरामीटर्स में आ जाती है क्लियर नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ एन्वायरमेंट में आपके सबसे पहला टॉपिक आता है वाटर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन में क्या है साफ पता चल रहा है कि वाटर पॉल्यूशन क्या है आपकी डिग्रेडेशन है या फिर कंटामिनेशन है ऑफ वाटर की ऑफ वाटर बॉडीज ठीक है वाटर बॉडीज आपके पास क्या होती हैं जो भी आपका रिवर लेक ओशियन ये सारी चीजें जहां पर भी आपका वाटर प्रेजेंट है वो सारी आपकी वाटर बॉडीज कहलाती है अब अब इस वाटर बॉडीज का डिग्रेडेशन या फिर इसका यहाँ पर हम बात करें तो कंटामिनेशन अगर यहाँ इनका वाटर बॉडीज का कंटामिनेशन हो रहा है तो ये अल्टीमेटली किस में लीड करेगा आपका वाटर पॉल्यूशन में राइट right? वाटर पॉल्यूशन क्या है आपकी वाटर बॉडीज़ का कंटामिनेशन इज नोन एज वाटर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन का आपको साफ मतलब पता चल रहा है कि रिवर लेक्स ओशन इन सब के इन सबके वाटर में या आपकी जितनी भी वाटर बॉडीज़ है उसके अंदर कंटामिनेशन हो गई है कंटामिनेशन मीन उसमें किसी भी टाइप का आपका ये वाले पैरामीटर्स आ चुके हैं जिसकी वजह से अब आपका वो वाटर जो है वो पोल्यूट हो गया है या फिर कंटामिनेट हो गया है और अल्टीमेटली अब यही वाटर अगर आप पीने में या फिर अपना फूड प्रिपेयर करने में यूज करते हो या और किसी भी तरीके से हाउस होल्ड चोर्स में यूज करते हो तो ये क्या करेगा आपकी हेल्थ को इफेक्ट करेगा ठीक है तो ये क्या है आपका वाटर पोल्यूशन है वाटर पोल्यूशन मीन्स कंटामिनेशन ऑफ वॉटर बॉडीज एज रिवर लेक्स ओशन एटसेट्रा ठीक है अब ये आपकी बॉडी जो कंटामिनेट हो रही है आपकी वाटर बॉडीज जो भी कंटामिनेट हो रही है वो किसकी वजह से कंटामिनेट हो सकती है या तो आपका इंडस्ट्रियल या फिर एग्रीकल्चर पर्पज से एग्रीकल्चर एफिल्यूंस या फिर इसके थ्रू जो भी आपके एग्रीकल्चर जैसे आपने पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स ये को यूज़ किया है और इंडस्ट्रियल में जितने भी आपके केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं उसके थ्रू अगर कोई भी आपका उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका बाहर आ रहा है रिवर लेक्स में और ये वाटर आप यूज़ करते हो अपने हाउस होल्ड में तो ये आपका क्या करता है वाटर पॉल्यूटेड है जो, जो कि आपकी हेल्थ को इफेक्ट करेगा ठीक है हम यहाँ पर पॉल्यूटेंट कह रहे हैं तो पॉल्यूटेंट्स होते क्या हैं पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं आपके अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं ठीक है अनवांटेड पार्टिकल्स हैं जो क्या करेगा आपकी वाटर बॉडीज में जाकर के क्या करेगा उसका कंटामिनेशन कॉज करेगा कंटामिनेशन मीन बेसिकली उसकी जो भी प्योरिटी है उसको रिड्यूस करना है उसको एक तरीके से खराब करना है तो पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपकी वाटर बॉडीज में प्रेजेंट हो जाते हैं और वो प्रेजेंट कैसे होते हैं हमने अभी देखा किसी भी इंडस्ट्रियल या फिर एग्रीकल्चर एफल्यूमेंट के थ्रू ठीक है और फिर अल्टीमेटली क्या करते हैं आपके वाटर को कंटामिनेट करते हैं और जो वाटर आपका कंटामिनेटेड होता है उस कंटामिनेटेड वाटर को हम क्या कहते हैं वो बेसिकली किसका प्रोसेस है वाटर पॉल्यूशन का क्लियर और अभी हमने देखा था कि जो भी आपके एनवायरमेंट में पैरामीटर्स हैं वैसे ही पैरामीटर्स आपके पॉल्यूटेंट्स में भी आ सकते हैं जो डिफरेंट टाइप के पॉल्यूटेंट्स आपके पास होते हैं वो होते हैं बायोलॉजिकल केमिकल्स केमिकल्स और आपका हाउस होल्ड ठीक है तो जो भी आपका बायोलॉजिकल है बायोलॉजिकल में हमने अभी अभी देखा था बायोलॉजिकल में कौन से आते हैं जो भी आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके प्रेजेंट है ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपके बैक्टीरिया वायरस फंगी प्रोटोजोआ ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ सकती है ठीक है अब हम बात करते हैं केमिकल की केमिकल में क्या करते हैं हम बेसिकली जब हम एग्रीकल्चर की यहाँ पर बात करते हैं एग्रीकल्चर में जब आप किसी भी फूड को या फिर क्रॉप को ग्रो करवाते हो जब आपने ग्रो करवाई है तो हम उसमें क्या करते हैं पेस्टिसाइड्स को या फिर फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं अब ये क्या होते हैं पेस्टिसाइजर्स और फर्टिलाइजर्स ये सिंथेटिक होते हैं ठीक है मतलब ऑर्गेनिक नहीं होते सिंथेटिक होते हैं अब जब हम इन सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं हमारी क्रॉप्स की ग्रोथ में तो क्या हो रहा है जब नेचुरल प्रोसेस होती है रेनिंग हो रही है फॉर एग्जांपल तो रेनिंग से क्या हुआ आपकी क्रॉप के ऊपर जितना भी फर्टिलाइजर या फिर ये पेस्टिसाइजर लगा हुआ है तो वो वहाँ से हट जाएगा ठीक है हट के वो क्या करेगा आपकी रिवर्स में फ्लो करेगा रिवर या फिर लेक में फ्लो करेगा और फिर वो वाटर जाके आपका सारा मर्ज हो जाएगा और वही वाटर

नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज क्या हो सकते हैं कि आपका वाटर पॉल्यूशन किस किस तरीके से हो सकता है ठीक है कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन तो वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज में सबसे पहला आपके पास आता है सीवेज सीवेज क्या होती है आपकी वेस्ट वाटर होती है ठीक है वेस्ट वाटर सीवेज और वेस्ट वाटर में क्या होता है आपका हाउस होल्ड के थ्रू या कोई भी वाटर जब आपका आपकी आपके घरों से निकलकर जब वो बाहर जा रहा है तो उससे पहले क्या किया जाता है उस वाटर को केमिकली ट्रीट किया जाता है ठीक है कोई भी वाटर अगर आपका वेस्ट है तो उसको हम क्या करते हैं बेसिकली केमिकली ट्रीट करते हैं केमिकली ट्रीट करके क्या होगा अब वो वाटर बाहर जाके फ्लो होगा अब ये केमिकली ट्रीटेड वाटर है ऑब्वियसली तो ये क्या है इतना ज्यादा इसके अंदर वो इन्ग्रीडियंट्स नहीं है जो कि एक नेचुरल फ्रेश वाटर के अंदर होने चाहिए ठीक है अभी केमिकली ट्रीटेड वाटर क्या है आपका केमिकली ट्रीटेड वॉटर क्या करेगा आपका रिवर में जाकर मिल जाएगा अब ये रिवर क्या है आपकी फ्रेश वॉटर है इसके अंदर बहुत सारे आपके या फिर मिनरल्स प्रेजेंट है बट ये वॉटर क्या है एक तरीके से आपका पॉल्यूटेड वाटर है ठीक है तो सीवेज या फिर वेस्ट वॉटर क्या होता है केमिकली ट्रीटेड वाटर होता है अब जो आके आपका रिवर में मिल गया तो क्या करेगा अब रिवर के फ्रेश वाटर को ही क्या कर देगा पॉल्यूट कर देगा ठीक है सीवेज या फिर वेस्ट वाटर क्या होते हैं बेसिकली आपके केमिकली ट्रीटेड वाटर होते हैं वो केमिकली ट्रीटेड वाटर क्या करते हैं फ्लो करके आपके रिवर में चले जाएंगे जब फ्लो करके वो रिवर में जाते हैं तो रिवर की जितनी भी रिवर का जो भी फ्रेश वाटर है बेसिकली वो यहाँ पर पॉल्यूट हो जाता है तो अल्टीमेटली क्या किया है सीवेज ने आपके रिवर के वाटर को पॉल्यूट किया है ठीक है वैसे ही सेकेंड आपकी आती है मतलब कॉज में सेकेंड कॉज आपका आता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है बेसिकली जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या फिर कोई भी अदर इंडस्ट्रीज होती हैं तो इंडस्ट्रीज में क्या होता है केमिकल का, का काम तो होता ही है ठीक है तो ये केमिकल्स या फिर क्या होते हैं ये बेसिकली ह्यूमन्स के लिए टॉक्सिक सबस्टेंसेज हो सकते हैं ये टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करते हैं जब ये इंडस्ट्रियल वेस्ट आपका जाता है किसी भी वाटर बॉडी में जाके मिलता है तो ये क्या करता है बेसिकली वॉटर का कलर चेंज कर देता है ठीक है या तो वाटर का कलर चेंज कर देगा या फिर इसके साथ साथ में आपकी जो भी वाटर में मिनरल्स हैं उनकी कंटेंट को इंक्रीज कर देगा क्लियर तो मिनरल्स के कंटेंट यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं और जब मिनरल्स के कंटेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी के ऊपर आपकी हेल्थ के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट आ सकता है क्लियर तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में बेसिकली आपकी जो भी इंडस्ट्रीज में केमिकल्स या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसिस यूज होते हैं वो अल्टीमेटली आपके वाटर को यहाँ पर पॉल्यूट करते हैं और ऐसे ही नेक्स्ट हमने देखा अभी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में हमने जो भी पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइजर्स को हमने यूज किया है वो क्या किया रेन के थ्रू जाके आपके रिवर में जाके मिल गया और आपके वाटर को उसने पोल्यूट कर दिया एग्रीकल्चर और ऐसे ही नेक्स्ट आपकी आती है माइनिंग एक्टिविटीज और ऑयल स्पिलिंग और भी और भी इसके अलावा भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट की कॉजेज हो सकते हैं बट ये थोड़ा मेजरली डिस्कड होते हैं माइनिंग एक्टिविटीज में क्या होता है बेसिकली आपकी रॉक में जितना भी आप माइनिंग करते हैं रॉक के थ्रू जो भी आपका सल्फाइड्स या जो भी आपका मेटल वेस्ट आ रहा है वो क्या कर रहा है आपके वाटर को पोल्यूट कर रहा है क्लियर है और ऑयल स्पिलिंग में क्या है ऑयल स्पिलिंग का बेसिकली मतलब है कि ऑयल का आपका वाटर के अंदर स्पिल हो जाना या फिर फैल जाना ठीक है अब ये कैसे हो सकता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ये चीज़ एक्सीडेंटल हो सकती है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे जब आपका ऑयल के टैंकर जा रहे हैं और वो गलती से लीक हो गया तो आपका वाटर में जाके रिवर में जाके मिक्स हो गया तो ये किसके लिए हार्मफुल होते हैं ज़्यादा ये जो मेराइन बॉडीज होती है मतलब जो आपकी पानी में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है या फिर अनहेल्दी होती है क्लियर तो ये कुछ आपके वाटर पॉल्यूटेंट्स में वाटर को पॉल्यूट करने के कुछ सोर्सेस थे या फिर कॉजेस थे ठीक है नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है यहाँ पर इंपॉर्टेंसेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर आपको पता है वाटर आपकी बॉडी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है है ना वाटर को क्या कह सकते हैं हम हमारी लाइफ का एलेक्जर कह सकते हैं एलेक्जर मीन बेसिकली वाटर क्या है आपकी बॉडी के लिए अमृत है आप फूड के बिना फिर भी रह सकते हो बट वाटर के बिना हमारा सरवाइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है है ना और क्या कह रहे हैं यहाँ पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात आ रही है सेफ ड्रिंकिंग वाटर मीन्स जो वाटर आपका फ्रेश हो सेफ हो जिसको इंटेक करने से या फिर जिसको कंज्यूम करने से आपकी वाटर के थ्रू जो भी हमें डिजीजे हो सकती हैं वो ना हो तो वो आपका सेफ वॉटर होगा ठीक है तो सेफ ड्रिंकिंग वॉटर को यूज करने से आपका क्या इंपॉर्टेंस आपकी बॉडी पर आएगा वो पर्टिकुलरली इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ सकते हैं अब वॉटर क्या है वॉटर आपका क्या है एलेक्सर है आपकी लाइफ का ठीक है एलेक्जर ऑफ लाइफ आपकी ह्यूमन बॉडी जो है ह्यूमन बॉडी में बेसिकली 55 टू 75 परसेंट तक का वाटर कंटेंट आपकी बॉडी में होता है है ना ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है ह्यूमन बॉडी में 50 टू 75 परसेंट तक का वाटर कंटेंट आपकी बॉडी में होता है और ये वेरी करता है आपकी जो भी वेरियस साइजेस होती हैं या फिर एज है एक 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 एज ग्रुप है पर्टिकुलर उसके अंदर जो भी वाटर कंटेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा ठीक है तो वाटर आपकी बॉडी को इतना ज्यादा अमाउंट के अंदर चाहिए होता है अब आपकी बॉडी में इतना वाटर है तो आपको इनटेक भी इसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा कि आपके जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाए या फिर आपकी जितनी भी वाटर बेस्ड एक्टिविटीज हैं आपकी बॉडी की वो स्मूदली रन कर पाए ठीक है, है और अब बात करते हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर की तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ अकॉर्डिंग टू डब्बू एच ओ डब्लू एच ओ क्या है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ डू एच ओ क्या बोलती है सेफ वाटर आपका वो वाटर है जिसका कोई भी सिग्निफिशियंट रिस्क नहीं है आपकी बॉडी के ऊपर या फिर आपकी हेल्थ के ऊपर ठीक है अगर आप उस वाटर को अपना लाइफ टाइम कंज्यूम करते हो तो या फिर जब आप एक वॉटर है पर्टिकुलर वॉटर को आप कंज्यूम कर रहे हो और उसका कोई भी ऐसा सिग्निफिशेंट रिस्क नहीं है आपकी हेल्थ के ऊपर दैट मीन्स कि वाटर के थ्रू आपको कोई भी डिजीजेस नहीं होगी तो वो वॉटर आपका क्या होगा सेफ वॉटर होगा अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ क्लियर है अब आपका जो पॉल्यूटेड वाटर होता है हमें पता है ये चीज पॉल्यूटेड वाटर जो है वो क्या है पॉल्यूटेड वाटर में आपके बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है अभी पॉल्यूटेड वाटर क्या करता है ये ही आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालता है और जिसके थ्रू आपको वेरियस डिजीजेज हो जाती हैं जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे पॉल्यूटेड वाटर बेसिकली अनसैनिटरी के थ्रू उसके साथ साथ ये वाटर आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है ठीक है अगर पॉल्यूटेड वाटर को बहुत ज्यादा लाइफ टाइम तक कंज्यूम करने से हमारे पास जो वाटर बॉन्ड डिजीजेस हो जाती हैं उसके थ्रू भी इवन वो भी आपका फैटल हो सकता है क्लियर है तो वाटर जो भी हम हमारा इनटेक करते हैं दैट शुड बी सेफ एंड फ्रेश नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वाटर बॉन्ड डिजीजेस वाटर बॉन्ड डिजीजेस वाटर वाटरबॉर्न डिजीजेस कौन सी होती है जो हमने अभी देखा कि जो आपका पॉल्यूटेड वाटर या फिर कंटामिनेटेड वाटर को इनटेक करने से आपकी हेल्थ के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है और उस हेल्थ के इफेक्ट में आपको कुछ डिजीजेस हो रही हैं तो वो पर्टिकुलर डिजीज़ क्या होगी आपकी वाटर बॉर्न डिजीज़ कहलाएगी जो कि आपको पॉल्यूटेड वाटर या फिर कंटामिनेटेड वाटर को पीने के थ्रू हुई है ठीक है तो वाटर बॉन्ड डिजीजेस बेसिकली क्या होती है जो कि आपकी कंटामिनेटेड या फिर इन्फेक्टेड वाटर को इनटेक करने के थ्रू हो जाती है ठीक है कंटामिनेटेड वाटर या फिर आपका इन्फेक्टेड वाटर अब उसके अंदर क्या है आपके कोई भी पैथोजें प्रेजेंट है पैथोजन क्या होते हैं डिजीज़ कॉजिंग आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसके अंदर आपके डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं दैट इज़ आपके वायरसेस बैक्टीरियाज प्रोटोजोआ ये सारी चीज़ें ठीक है तो ये पैथोजेनिक वाटर या फिर पैथोजन में जिस भी वाटर में पैथोजन है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर हम डायरेक्टली ये कहते हैं कि वो वाटर कंटामिनेटेड है तो उस कंटामिनेटेड वाटर को इनटेक करने से आपको जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं वो बेसिकली आपकी वाटर बॉन्ड डिजीजेज में आते हैं ठीक है थीके? अब इसके जो मेन कॉजेज़ हैं वाटर बॉन्ड डिजीज के कुछ मेन कॉज हैं वो कॉजेज कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं मेन कॉजेज में आपके सबसे पहला आता है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वही ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर आपकी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी होती है जैसे कि आपके बैक्टीरियास, वायरसेस प्रोटोजोआ और अदर कोई भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आपको डिजीज या फिर इलनेस कॉज यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आपके आते हैं टॉक्सिन्स टॉक्सिन्स जो भी आपके केमिकल या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपके लिवर रिवर में आए थे अभी हमने देखा था इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू जो भी आपके रिवर में आ रहा था वो वाला टॉक्सिन आपका यहाँ पर एक मेन कॉज होता है ठीक है या फिर या तो केमिकल सब्सटेंसेज या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेज बेसिकली जो कि आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू आपके पास आ रहा था रहाफ प्रशन प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं है दैट मीन आपकी प्रॉपर क्लीननेस नहीं है वहां पर क्लीननेस नहीं है तो वो वाटर क्या है वो आपका वाटर पॉल्यूटेड है या फिर कंटामिनेटेड वाटर है ठीक है और इसके साथ साथ में लाइव स्टॉक वेस्ट लाइव स्टॉक वेस्ट का मीनस है जो भी आपका एनिमल वेस्ट होती है बेसिकली उसकी यहाँ पर बात हो रही है जो भी आपका एनिमल वेस्ट है उसके थ्रू आपका वाटर जो पोल्यूट हो रहा है या फिर कंटामिनेट हो रहा है वो उसका एक कॉज है और इसके साथ साथ में पुअर हाइजीन पुअर हाइजीन मीन वहां पे उस एरिया में जहां पर भी जो भी वाटर वाटर आप यूज़ कर रहे हो आपका हाइजीनिक नहीं है मतलब साफ सुथरा ऐसा नहीं है क्लियर अब इस वाटर बॉन्ड के थ्रू आपको वेरियस डिजीजे हो सकती है फर्स्ट इज डायरिया वाटर वॉटरबोंड डिजीज का सबसे पहला डिजीज आपका आता है डायरिया डायरिया में बेसिकली क्या होती है ये जो आपके चिल्ड्रन होते हैं फाइव ईयर से कम एज के जो चिल्ड्रन होते हैं उनको डायरिया होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है अभी डायरिया आपका कैसे होगा ये क्या है आपकी वाटर बॉर्न डिजीज है ठीक है ना तो वाटर बॉर्न डिजीज़ है दैट मीन्स आपका वाटर में जो भी कंटामिनेंट प्रेजेंट है जिसकी वजह से आपका वाटर क्या है कंटामिनेट हुआ है या फिर कंटामिनेटेड वाटर हुआ है उस वाटर को ड्रिंक करने से या फिर उस वाटर का प्रिपेयर्ड फूड खाने से या फिर उस वाटर के कॉन्टैक्ट में रहने से क्या हुआ है डिजीज आपको हो गई है तो वो डिजीज़ आपकी वाटर बॉर्न डिजीज होगी और इसमें सबसे पहले आपकी आ रही है डायरिया में बेसिकली क्या आती है आपकी फ्रीक्वेंट मोशन होती है ठीक है अब ये डायरिया अगर एक्सट्रीम केस में हो जाता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस में हो जाता है तो इस केस में क्या है जो भी आपका चाइल्ड है वो अपना कॉन्शियसनेस को खो सकता है दैट मीन्स अनकॉन्शियस हो जाएगा ठीक है अनकॉन्शियस हो जाएगा दैट मीन्स थोड़ा सा वो कॉन्शियसनेस में नहीं रह पाएगा थोड़ा क्या है तो हम होश में नहीं रह पाएगा तो एक्सट्रीम केस में क्या हो सकता है कॉन्शियसनेस वो अपनी लूज कर सकता है और इसके साथ में अगर ये बहुत ज़्यादा डायरिया आपका बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो इट कैन बी फैटल ठीक है जानलेवा भी हो सकता है अगर ये अनट्रीटेड या फिर सीवियर रह जाता है तो ठीक है नेक्स्ट डायरिया के बाद आपकी आती है कोलेरा कोलेरा क्या होती है बेसिकली आपकी एक इंटेस्टाइनल डिजीज़ होती है इंटेस्टाइनल डिजीज़ विच मीन्स आपका इंटेस्टाइन वाला पार्ट यहाँ पर इन्फेक्ट होता है इंटेस्टाइन जैसे आपकी स्टमक के बाद की जो पार्ट होती है वो आपकी इंटेस्टाइन होती है ठीक है अब जब इंटेस्टाइन में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से आपका इंटेस्टाइनल या फिर एब्डोमिनल पेन भी यहाँ पर हो सकता है अब कोलेरा क्या है आपका एक्यूट इन्फ्लामेशन डिजीज होती है एक्यूट इन्फ्लामेशन मीन्स एक्यूट मीन्स शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए और इन्फ्लामेशन मीन्स एक एक तरह का स्वेलिंग होना आपके उस पर्टिकुलर पार्ट में ठीक है अब ये कैसे फैल सकता है आपका जो भी आपका ह्यूमन वेस्ट होता है ह्यूमन वेस्ट जब आपका वाटर बॉडीज़ में जाके इंक्लूड होता है तो वो वाटर बॉडीज के थ्रू जो भी आपका वाटर आता है वो वाटर अब कंटामिनेटेड वाटर आया है उस कंटामिनेटेड वाटर को कंज्यूम करके या फिर उसकी कोई भी प्रोसेसिंग करके उसको फिर यूज़ करना आपका क्या करता है कोलेरा कॉज करवाता है ठीक है अब कोलेरा आपका कैसे कॉज होता है कौन सा बैक्टीरिया इसके अंदर इन्वॉल्व होता है विच इज़ विब्रियो कोलेरा या फिर ई कोलाय ठीक है विब्रियो कोलेरा या फिर ई e कोलाय आपकी कोलेरा डिजीज को कॉज करने के लिए मेन बैक्टीरिया आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कोलेरा के जो कोलेरा डिजीज होती है उसके आपके पास क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं तो सिम्टम्स में क्या है आपका सीवियर डायरिया होता है सीवियर डायरिया हमने अभी अभी डिस्कस किया है डायरिया आपकी क्या होती है फ्रीक्वेंट मोशन होती है क्लियर तो ये फ्रीक्वेंट मोशन यहाँ पर कोलेरा के केस में हो सकती है और उसके साथ में दैट आपको बार बार वॉमिट जैसा फील होना या फिर यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं नोजिया फील होना क्लियर और उसके साथ में आए परजिंग परजिंग मीन बेसिकली कुछ खाते ही जस्ट विद इन सेकेंड या फिर मिनट्स आपको दोबारा से उसको बाहर कर देना विच इज कुछ खाते ही डायरेक्टली आपको वॉमिट कर देना ठीक है नेक्स्ट फिर आपके पास वाटर वॉटरबॉन डिजीज में आती है डिसेंट्री डिसेंट्री क्या है ये भी आपका इंटेस्टाइनल डिजीज़ है इंटेस्टाइनल डिजीज़ जहाँ पर भी आती है तो आपके सिम्टम में ये बात लिख सकते हो कि आपको एबडामिनल पेन के क्रैम्स वहाँ पर हो सकते हैं या फिर एबडामिनल क्रैम हो सकता है या फिर एबडामिनल पेन हो सकता है ठीक है अब डिसेंट्री क्या है आपकी इंटेस्टाइनल डिजीज है और उसके साथ साथ में कैसे फैलती है जो भी आपके इंसिस्टेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इंसिस्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीनस कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर एक शेल बनी हुई है या फिर एक कवरिंग बनी हुई है ठीक है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर एक कवरिंग या फिर शेल बनी हुई है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फीकल मटेरियल से ठीक है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो भी वेस्ट मटेरियल होगा या फिर फीकल मटेरियल होगा ये आपका वाटर में जाके मिला ठीक है तो ये वाटर क्या है आपका पॉल्यूटेड वाटर है ये ये पॉल्यूटेड वाटर आपका कॉज करेगा डिसेंट्री ठीक है और हमने पहले वाला देखा था कोलेरा कोलेरा कैसे कॉज करता है ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट जब वाटर में जा रहा है तो ये पॉल्यूटेड वाटर कॉस करेगा डिसेंट्री बट जब सेम ये आपका ह्यूमन वेस्ट अगर है तो ह्यूमन का जो भी फीकल मटेरियल या फिर वेस्ट प्रोडक्ट जिस वाटर में जा रहा है तो वो पोल्यूटेड वाटर आपका कॉज करेगा कोलेरा ठीक है और यहाँ पर हम डिसेंट्री की बात कर रहे हैं तो डिसेंट्री में क्या होते हैं आपके एनसिस्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके फीकल मटीरियल से जो भी आपका कंटामिनेटेड वाटर है उस कंटामिनेटेड वाटर को कंज्यूम करने से या फिर उस कंटामिनेटेड वाटर से आपका ये डिसेंट्री uh, जो है वो स्प्रेड होता है या फिर फैलता है ठीक है अब इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया या फिर पैरासाइट आपका इन्वॉल्व है विच इज एंटोिबा हिस्टोलाइटिका एंटोबास्टोलाइटिका क्या है पर्टिकुलर में आपका बॉडी में जा रहा है ठीक है थीके? अब इसके सिम्टम्स आते हैं सिम्टम इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं माइल्ड टू सीवियर एबडोमिनल क्रैम्स मतलब एबडोमिनल क्रैम आपका पेट में बहुत ज्यादा यहाँ कम मतलब माइल्ड से लेकर बहुत ज्यादा सीवियर पेन भी यहाँ पे आप फील कर सकते हो और उसके साथ साथ में सीवियर डायरिया भी हो सकती है इधर और स्टूल जो है स्टूल में आपका या तो कुछ म्यूकस भी आ सकता है या सम टाइम आपका ब्लड भी यहाँ पर आ सकता है बेसिकली डिसेंट्री को हम ये भी कहते हैं कि डायरिया हो गया है और डायरिया के साथ साथ में क्या है आपका स्टूल में ब्लड की प्रेजेंस होना आपका डिसेंट्री होती है ठीक है नेक्स्ट डिजीज आपके पास आती है टाइफॉइड टाइफॉइड क्या है आपकी डेंजरस इंटेस्टाइनल डिजीज है इंटेस्टाइनल डिजीज है और बहुत ज्यादा डेंजरस है ठीक है अब ये कैसे स्प्रेड हो सकता है जो भी आपको पॉल्यूट क्लीयर वाटर है पॉल्यूटेड वाटर जो भी था वो पॉल्यूटेड वाटर आपने ड्रिंक किया है या फिर उस पॉल्यूटेड वाटर से आपने फूड को प्रिपेयर किया है ठीक है या तो आपने वो वाटर ड्रिंक किया है या फिर फूड प्रिपेयर किया है तो उस पॉल्यूटेड वाटर से आपको टाइफाइड हो सकता है और अब उस पॉल्यूटेड वाटर में कौन सा बैक्टीरिया या फिर कौन सा आपका कॉजेटिव एंजाइम वहां पे प्रेजेंट होगा वो है आपका साल्मोनेला टाइफी साल्मोनेला टाइफी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइफॉइड फीवर ठीक है टाइफॉइड फीवर जब आपकी बॉडी में होता है दैट मीन्स उस वाटर में आपका सालमोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो था वो प्रेजेंट था और अब आप इसने आपकी बॉडी में जाके टाइफॉइड को कॉज किया है ठीक है टाइफॉइड के आपके पास कुछ सिम्टम्स होते हैं सिम्टम में यहाँ पर क्या आ सकता है कंटिन्यूस फीवर फीवर आपका बहुत ज्यादा रहता है आपको पता है टाइफॉइड में और जो फीवर जो है वो सीवियर रहता है वन वन डिग्री फेरानाइड से वन फोर डिग्री फेरानाइड तक रहता है आपको नॉर्मल टेम्परेचर अपनी बॉडी का पता ही है नाइन्टी डिग्री के नियर रहता है बट आपका यहाँ पे फीवर इतना सीवियर हो जाता है कि वो वन जीरो वन टू वन जीरो फोर तक भी पहुंच सकता है ठीक है और इसी के साथ साथ में इरेग्यूलर पल्स पल्स रेट आपकी ऊपर नीचे बहुत ज्यादा रहती है ठीक है अब इसके साथ साथ में जब आपका टाइफॉइड हो रहा है तो टाइफॉइड में आपका फीवर वॉमिटिंग नोजिया डायरिया ये सारी चीजें ऑलमोस्ट कॉमन होती है हर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में ठीक है तो आपका यहाँ पे डायरिया वोमेटिंग पर्जिंग इवन ये सारी चीजें हो रही हैं तो इसकी वजह से क्या हो सकता है टाइफाइड में जो भी पेशेंट है उसका सिग्निफिशेंट वेट लॉस हो सकता है, है ठीक जब उसको एक साथ इतना ज्यादा कुछ रहेगा टाइफाइड के केस में अगर पर्सन को पेशेंट को टाइफाइड है तो कुछ टाइम के बाद उसका बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाएगा जब वो टाइफाइड से रिकवर होकर आएगा तो वैसा ऑब्जर्व कर सकता है कि वहां पे उसका बहुत ज्यादा वेट लॉस हुआ है क्लियर ऐसे ही नेक्स्ट डिजीज़ आपके पास आती है फ्लोरोसिस फ्लोरोसिस मीन्स वो वॉटर जिसके अंदर आपका फ्लोराइड का कंटेंट ज्यादा है और वो वॉटर आप बहुत लंबे टाइम से कंज्यूम कर रहे हो ठीक है तो यहाँ पे क्या है लार्ज अमाउंट ऑफ आप फ्लोराइड आपका वॉटर के अंदर प्रेजेंट है प्रेजेंट इन वॉटर आपका वॉटर में फ्लोराइड का कंटेंट ज्यादा है फ्लोराइड होता है वॉटर में बट अगर वो एक बेनिफिशियल का का करेगा right. चीज की लिमिट होती है बट अगर कोई चीज लिमिट क्रॉस कर रही है तो ऑब्वियसली वो आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव इंपेक्ट देकर ही जाएगी तो फ्लोराइड यहाँ पर क्या कर रही है आपका फ्लोराइड वाटर में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है बट वही फ्लोराइड अगर आपका ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो वो आपका फ्लोर आपका या, तो हो सकती है, या फिर टूथ डैमेज हो सकता है तो इसीलिए उसको हमको यूज नहीं करना चाहिए या फिर उसे हमें ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए इसीलिए आपके घर पर जो भी आप आर वगैरह यूज करते हो उसमें भी क्या करता है वो कहता है कि फ्लोराइड के कंटेंट को रिड्यूस कर देगा ठीक है तो ये आपकी कुछ थी अब ये वाटर वाटरबॉन्ड डिजीज को आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो प्रिवेंशन ऑफ वाटर वाटरबॉन्ड डिजीज अब प्रिवेंशन आपको करनी है वाटर वाटरबॉन्ड डिजीज की प्रिवेंशन करोगे दैट मींस आप नहीं चाहते कि आपका जो भी वाटर है वो कंटामिनेट हो क्योंकि अगर वो वाटर कंटामिनेट होता है तो वो अल्टीमेटली आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालता है ठीक है तो वाटर बॉन्ड डिजीजेस की प्रिवेंशन भी हम ही कर सकते हैं अब इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे आपको वो वाटर यूज़ करना है जो कि आपका प्योरीफाइड हो ठीक है जब आप वाटर ड्रिंक करते हो तो आप ऐसा मतलब प्योरिफाइड वाटर को ड्रिंक करें या फिर इसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी अब तो मार्केट में अवेलेबल है जैसे कोई भी आर वाटर वगैरह कुछ भी ठीक है जो भी प्योरिफायर्ड आपके पास वाटर मार्केट में अवेलेबल है वो आपका वाटर को यहाँ पर प्योरीफाई कर देगा तो जब आप प्योरिफाइड वाटर पियोगे पॉल्यूटेड वाटर या फिर कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंक नहीं करोगे तो आपका वाटर वॉन्ट डिजीज सबसे पहला वहीं पर ही प्रिवेंट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आप वाटर के अंदर डायरेक्टली कुछ भी थ्रो ना करें ये सारी चीज़ें हमसे ही शुरू होकर हमें ही अल्टीमेटली हार्म कर रही है अगर हम ही इस चीज़ की प्रिवेंशन करा देंगे तो वाटर बॉन्न डिजीज़ हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगी ठीक है तो सबसे पहला क्या है वाटर में आपको कुछ भी थ्रो नहीं करना है कुछ भी आपका ड्राई वेस्ट या फिर वेट वेस्ट जो होता है हम जो डायरेक्टली हम फेंक देते हैं सीधा रिवर में नदियों में ओशंस में वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है क्योंकि उसकी वजह से आपका वाटर बॉर्न डिजीजेस कॉज होता है आप ही की हेल्थ पे ठीक है और इसके साथ साथ में एग्रीकल्चर के परपज़ से देखा जाए तो एग्रीकल्चर में जो भी आपका पेस्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे थे उसको या तो लीस्ट यूज़ करें कम से कम यूज़ करें और अगर यूज़ करना है तो वो हमें ऑर्गेनिक पे स्विच करना चाहिए ऑर्गेनिक को यूज़ करना चाहिए ठीक है ताकि वो हमारी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना डाले और इसी के साथ साथ में जब आपका वाटर बॉर्न डिजीजेस को प्रिवेंट करना है तो उसमें सबसे पहले आपका इंडिविजुअल का हाइजीन बहुत ज़्यादा मैटर करता है अगर हाइजीन आपका पुअर है तो डिजीज होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है ठीक है तो एक तो पर्सनल हाइजीन प्लस जो भी आपके नियर बाय है तो उस एनवायरमेंट का हाइजीन मेंटेन करना भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है अगर ये सारे प्रिवेंशन हम हमारे लेवल पर कर लेते हैं तो वाटर बॉन्ड डिजीजेज होने के चांसेस जो हमारे पास आते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं ठीक है थीके? तो वाटर बॉर्न डिजीजेस को हमने देखा कि कुछ आपकी मेजर डिजीजेस यहाँ पर थी जैसे सबसे पहला आया आपका डायरिया डायरिया नेक्स्ट इज कोलेरा नेक्स्ट डिसेंट्री देन टाइफॉइड एंड फ्लूरोसिस आई होप ये आपको जितनी भी डिजीज हैं ये समझ आ गई होगी इसके अलावा भी वाटरबॉन्ड डिजीज बहुत ज्यादा होती है बट हमने यहाँ पर कुछ ही कंसिडर की है जितना आपके सिलेबस में है ऑल राइट नेक्स्ट आर टॉपिक इज एयर पल्यूशन एयर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन क्या है बेसिकली जैसा हमने देखा था अभी वाटर पॉल्यूशन में दैट इज जितना भी आपका वाटर बॉडीज में अगर कोई भी पॉल्यूटेंट आ रहा था और वो आपके वाटर को कंटामिनेट कर रहा था तो वो आपका वाटर पॉल्यूशन था एयर पॉल्यूशन भी ऐसा ही है कोई भी ऐसा पॉल्यूटेंट कोई भी ऐसा पार्टिकल डस्ट या कोई भी ऐसी टॉक्जिस uh, या फिर केमिकल गैसेस जो कि आपके एटमॉस्फेयर को दैट इज आपके एयर को हार्म कर रही है अब वो एयर को हार्म कर रही है तो वो अल्टीमेटली लिविंग या फिर नॉन लिविंग की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट ला रही है क्लियर तो वो आपका क्या होगा एयर पोल्यूशन होगा लिविंग और नॉन लिविंग को हार्म कर रहा है और उसी के साथ साथ में आपके एनवायरनमेंट पे भी इफेक्ट डाल रहा है क्लियर है एयर पोल्यूशन में बेसिकली आपके मेजर तीन पैरामीटर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एयर पोल्यूशन के लिए दैट इज फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल जैसा कि हमने वाटर पॉल्यूशन में देखा था जो भी आपके पॉल्यूटेंट्स थे डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूटेंट्स थे यहाँ पर ऐसे ही डिफरेंट टाइप के पॉल्यूटेंट्स होंगे जैसे कि हमने ये सारे देखे ये सारे पॉल्यूटेंट्स मिलकर क्या कर रहे हैं आपका एयर पॉल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं क्लियर इसी के साथ साथ में जब आपकी एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो आपकी एटमॉस्फेयर में ओजोन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है आपकी ओजोन लेयर जो है उसके ऊपर भी डायरेक्टली यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है क्लियर नेक्स्ट आपके पास आते हैं कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन किस किस कॉज से हो सकती है कॉजेज ऑफ़ एयर पॉल्यूशन सबसे पहला है एयर पॉल्यूशन का कॉज आपका बर्निंग ऑफ फॉजिल फ्यूल बर्निंग ऑफ फॉजिल फ्यूल फॉजिल फ्यूल क्या होती है सबसे पहले तो वो आपकी बॉडीज प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की बॉडीज जो कि आपके अंडरग्राउंड चली जाती है अंडरग्राउंड जाने के बाद में उन्हें बाहर निकाल के उसको बर्न किया जाता है बेसिकली तो वो उसको बर्न करके जो भी फ्यूल आपको मिलेगा वो आपका फॉजिल फ्यूल होगा क्लियर तो यहाँ पे जब आप फॉजिल फ्यूल की बर्निंग करते हो तो उस टाइम पे आपकी कुछ गैसेज रिलीज होती हैं जैसे कि आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनो ऑक्साइड ये गैसे ये गैसेस गैसेस बहुत ज़्यादा टॉक्सिक टॉक्सिक हैं जब आपके एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है तो ये क्या कॉज कर रही हैं आपका एयर पोल्यूशन कॉज कर रही है ठीक है एयर पोल्यूशन कॉज करने का एक इंपॉर्टेंट और मेन कॉज ये भी है कि जब हम फॉजिल फ्यूल की बर्निंग करवाते हैं फॉजिल फ्यूल्स क्या होती हैं आपके अंडरग्राउंड जो भी लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको जब बाहर निकाल के फ्यूल बनाया जाता है और वो फ्यूल क्यों बनाया जाता है ताकि उससे हम एनर्जी क्रिएट कर सके एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके और जब उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हम उस फ्यूल की बर्निंग करवाते हैं तब आपकी कुछ टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं जो कि अल्टीमेटली आपके एयर पॉल्यूशन को कॉज करती है या फिर आपका जो भी एयर है उसके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती है राइट नेक्स्ट आपका इसमें कॉज आता है ऑटोमोबाइल्स का ऑटोमोबाइल्स क्या होते हैं आपको पता है व्हीकल्स जो भी आपके पास होते हैं कोई भी व्हीकल आप यूज कर रहे हो उस व्हीकल में कोई भी फ्यूल डल रहा है पेट्रोल है डीजल है ये सारी चीजें उस वो कंज्यूम कर रहा है और कंज्यूम करने के साथ साथ में क्या रिलीज कर रहा है एक गैस वहां पर वो रिलीज कर रहा है जो कि आपका अल्टीमेटली क्या कॉज कर रही है एयर पॉल्यूशन ठीक है तो जैसे आपने देखा होगा कुछ कंट्रीज में कुछ सिटीज में आपका ऑटोमोबाइल्स का जो भी यूजेज है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन नेक्स्ट इसके साथ साथ में आपकी आती है थर्ड इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में आपने देखा है जो भी हम फार्मिंग में क्रॉप की प्रोडक्शन में जब भी यूज़ करते हैं जैसे पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स हमने यूज किया एग्रीकल्चर में उस टाइम पे क्या होती है आपकी एक बहुत ज़्यादा हेजारडियस गैस रिलीज होती है दैट इज अमोनिया गैस ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है और उसके साथ साथ में आपका एयर पॉल्यूशन के लिए भी एक बहुत बड़ा मेजर कॉज है राइट right? नेक्स्ट आपके पास आते हैं डोमेस्टिक सब्सटेंसेस डोमेस्टिक सब्सटेंस क्या होता है आपने देखा होगा जब आप अपने घर पे पेंट्स करवाते हो ठीक है जब हम पेंट्स करवाते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं आपने देखा होगा जिस भी एरिया में पेंट हो रहा होता है वहाँ पे आपको एक अजीब फाउल पंजेंट टाइप की स्मेल आती है वो क्यों आती है क्योंकि उस पेंट में आपके कुछ केमिकल्स प्रेजेंट हैं तो वो केमिकल प्रेजेंट है और वो गैस वहाँ पर रिलीज हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है आपका एयर पोल्यूशन हो रहा है ठीक है तो एयर पोल्यूशन क्या होते हैं और उसके मेजर कॉजेज हमने यहाँ पर देख लिया नेक्स्ट ऐसे ही आपके पास आता है नॉइस पॉल्यूशन नॉइस पॉल्यूशन नेक्स्ट इज नॉइज पॉल्यूशन नॉइस पॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमें देखते हैं नॉइज क्या होती है नॉइस आपका एक टर्म है जो कि नोजिया टर्म से डिराइव हुआ है नॉजिया टर्म बेसिकली वो वाली एक फीलिंग होती है जिसमें यू वांट टू वॉमिट ठीक है तो वो एक पर्टिकुलर फीलिंग है जिससे आपका नोजिया आपका डिराइव हुआ है और इसका मेजर मीनिंग यहाँ पर यही है कि आपके साउंड जो है वो बेसिकली दो टाइप की है एक तो साउंड है जो आपकी प्लीजेंट है ठीक है प्लीजेंट साउंड है और वही वही साउंड किसी किसी के लिए प्लीजेंट हो सकती है और सेम साउंड किसी किसी के लिए नॉइज हो सकती है दैट मीन्स कोई इरिटेटिंग साउंड या फिर अनप्लीजेंट साउंड भी हो सकता है तो नॉइज पॉल्यूशन क्या है बेसिकली नॉइज पॉल्यूशन आपका अनप्लीजेंट साउंड है अनप्लीजेंट या फिर एक्सेसिव साउंड अनप्लीजेंट या फिर एक्सेसिव साउंड है जो कि आपका ह्यूमन का या कोई भी वाइल्ड लाइफ है कोई भी एनिमल है उसको और उसके साथ साथ में एनवायरमेंट के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट डालता है नॉइज जो है वो बेसिकली अगर हम बात करें तो डायरेक्टली एयर के ऊपर वाटर पे सॉइल पे इनके ऊपर डायरेक्ट आपका कोई इम्पैक्ट नहीं डालती ये बस आपके ह्यूमन को आपके एनिमल्स को वाइल्ड लाइफ को एनवायरमेंट को डायरेक्टली यहाँ पर इफेक्ट करता है ठीक है नॉइज़ पॉल्यूशन बेसिकली क्या है आपका अनप्लीजेंट या फिर एक्सेसिव साउंड है जो कि आपका एक अनप्लीजेंट आपको फीलिंग दे रहा है जो कि ह्यूमन्स को वाइल्ड लाइफ को और एनवायरमेंट को यहाँ पर डायरेक्टली इफेक्ट करता है ठीक है अब नॉइज जो है आपके पास हमने अभी डिस्कस किया नॉइज़ क्या है आपकी अनप्लीजेंट साउंड है ठीक है अनप्लीजेंट साउंड भी हो सकती है लाउड भी हो सकती है और वही सेम साउंड आपका एक्सेसिव भी हो सकता है तो नॉइस आपकी पर्टिकुलर वो चीज है और अब नॉइस को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं इसकी एक ऑडियेबल रेंज होती है ठीक है ऑडियबल रेंज आपकी दो चीजों से मिलकर बनी होती है दैट इज एक तो आपका फ्रीक्वेंसी और एक आपका लाउडनेस फ्रीक्वेंसी जो है एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर कितनी बियर कर सकता है ट्वेंटी टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स तक की और जो लाउडनेस है वो है आपकी जीरो टू वन फिफ्टी जीरो टू वन ट्वेंटी डेसीबल डेसिबल क्या है डी बी डेसीबिल आपकी साउंड की यूनिट होती है ठीक है तो जो आपका नॉइस है वो आपकी उसकी ऑडियेबल रेंज होती है जो कि आपकी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होती है दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो ईयर है वो इतनी फ्रीक्वेंसी को बियर कर सकता है और लाउडनेस जो है वो जीरो टू वन ट्वेंटी डेसीबल तक को बियर कर सकता है ठीक है अब हम इसके बाद में बात करते हैं नॉइस पॉल्यूशन के आपके पास कॉजेज यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन काजेज़ या फिर सोर्सेज की हम बात करें तो सबसे पहला सोर्स आपके पास आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है आपका नॉइज़ पॉल्यूशन का कॉज है या फिर एक सोर्स है इंडस्ट्रियलाइजेशन में बेसिकली वो आपका नॉइज़ पॉल्यूशन कैसे क्रिएट कर सकता है अब इंडस्ट्रीज़ है उसमें आपकी बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स होती हैं बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं जैसे आपका जनरेटर्स है मिल्स है ऐसा कोई भी इक्विपमेंट जैसे आपका एग्जॉस्टिंग फैन भी है एक तरीके से तो ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है कुछ नॉइस को डिलीवर भी कर रहा है साथ साथ में तो वो क्या करेगा नॉइस पॉल्यूशन का एक कॉज बनेगा इंडस्ट्री के नियर बाय जितने भी फ्लैट्स हैं फैमिलीज हैं जो बीमार रहते हैं तो उनको वो चीज़ डेली बेयर करनी पड़ती है तो उनके लिए वो एक पर्टिकुलर चीज नॉइस पॉल्यूशन हो जाती है ठीक है वैसे ही आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ में सेकेंड आपका कॉज़ यहाँ पर आती है ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन में भी आपका मेजरली हम बात करते हैं व्हीकल्स की जैसे हमने देखा था अभी अभी व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स आपका एयर पोल्यूशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल थे और वैसे ही वो नॉइज़ पोल्यूशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है क्योंकि जब उनका फ्यूल कंज्यूम हो रहा है तो उसके बाद में एक पर्टिकुलर गैस रिलीज हो रही है जो कि आपका एयर पॉल्यूट कर रही है और उसकी वजह से जो भी ट्रांसपोर्टेशन में जितने भी आपके कार्स हैं या फिर अदर ऑटोमोबाइल्स हैं वो क्या कर रही है आपका यहाँ पर नॉइस पॉल्यूशन को क्रिएट कर रही है कार्स या फिर कोई भी आपका ऑटोमोबाइल नेक्स्ट आपके पास आता है नेक्स्ट कॉज इज़ सोशल इवेंट्स सोशल इवेंट्स नॉइज़ पॉल्यूशन का कॉज कैसे हो सकते हैं सोशल इवेंट जैसे आपकी कोई भी गैदरिंग हो रही है कोई भी ऐसी पार्टीज हो रही है जिसके आपका नेबरहुड इरिटेट हो रहा है या फिर नेबरहुड के लिए वो पर्टिकुलर चीज एक नॉइज पॉल्यूशन का काम कर रही है तो वो आपका सोशल इवेंट भी नॉइज नॉइज़ पॉल्यूशन का एक कॉज हो सकता है ठीक है इसी के साथ में है आपका लास्ट एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ आपकी कैसे नॉइज़ पॉल्यूशन को क्रिएट कर सकती है आपने देखा होगा कोई भी आपका रो रोड बन रहा है डैम बन रहा है ब्रिज बन रहा है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर आता है तो वो एक आपका नॉइज़ पॉल्यूशन का कॉज यहाँ पर हो सकता है क्लियर है नेक्स्ट इसी के बाद में आपका टॉपिक आता है नॉइज़ पॉल्यूशन के आपकी हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन ऑन हेल्थ आपने देखा कि नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है आपकी एयर पे सॉइल पे, वाटर पे इन सारी चीज़ों के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं कर रही है बट क्या कर रही है वो एनवायरमेंट के साथ में और ह्यूमंस के साथ में इवन एनिमल्स भी इस चीज़ से इरिटेट हो सकते हैं जो भी आपका नॉइस आ रहा है तो उसके साथ साथ में वो एनिमल्स को भी इफ़ेक्ट कर रही है ठीक है अब नॉइज़ पॉल्यूशन आपकी हेल्थ के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट करेगा इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज पोजिशन में सबसे पहला आपके पास आता है हियरिंग लॉस हियरिंग लॉस कैसे होगा अगर एक्सेसिव साउंड जो भी आपका लाउड साउंड था उसके उसके आप कंटिन्यूस एक्सपोजर में है तो आपका परमानेंट हियर लॉस भी हो सकता है और ये ज़्यादातर चिल्ड्रेन में या फिर ओल्ड एज पीपल के अंदर देखा जा सकता है एल्डरली पीपल में हियरिंग लॉस ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं क्योंकि अगर वो एक पर्टिकुलर नॉइज़ के एक्सपोजर में ज्यादा रहेंगे अपने लिमिट से बहुत ज़्यादा रहेंगे अभी हियरिंग की जो भी कैपेसिटी है वो एक लिमिट तक ही है उसके ऊपर भी अगर आप नॉइस पॉल्यूशन में रहते हो तो वो चीज़ आपका परमानेंट हेयर लॉस को कॉज कर सकती है और उसी के साथ साथ में जो भी आपके कार्डियोवेस्कुलर के पेशेंट्स होते हैं हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा आवाज में ज़्यादा नॉइस में नहीं रह सकते और अगर उनकी प्रेजेंस वहाँ पर है तो जो भी उनका कार्डियो का कार्डियो का जो भी डिजीज है पर्टिकुलर जैसे हाइपरटेंशन की बात करें तो इवन वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी किसी पर्सन का इंक्रीज है तो वो एक ऐसी सराउंडिंग में और रह, रह रहा है जहाँ से वो और इरीटेट हो रहा है तो उस इरीटेशन में उस घबराहट में उस स्ट्रेस में उसका ब्लड प्रेशर वहाँ पर और इंक्रीज हो सकता है एंड विच कैन लीड टू हाइपर ऑफ द पेशेंट ओके नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है ऑक्यूपेशनल इलनेस का ऑक्यूपेशनल इलनेस ठीक है ऑक्यूपेशनल इलनेस क्या होती है एक किसी भी वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हो ठीक है किसी भी ऑक्यूपेशन में अगर आप इन्वॉल्व हो तो किसी एक पर्टिकुलर वर्क प्लेस की वजह से अगर आपको कोई भी इलनेस कॉज हो रही है तो वो इलनेस क्या है आपकी ऑक्यूपेशनल इलनेस है ठीक है इसको हम और कंसाइजली बात करें तो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट आपको यही बोलती है कि किसी भी वर्क प्लेस पे आपका फिजिकल केमिकल या फिर बायोलॉजिकल एजेंट से अगर कोई भी इलनेस या फिर डिसकंफर्ट कॉज और कॉज हो रहा है तो वो है आपका ऑक्यूपेशनल इलनेस और ये अल्टीमेटली क्या कर रहा है जो भी आपका वर्कर है या जो एम्प्लॉय वहाँ पर काम कर रहा है उसकी डेली की फिजियोलॉजिकल कंडीशन को इफ़ेक्ट कर रहा है अब हमने एक बार हेल्थ की बात की थी कि आपका हेल्थ क्या होता है अगर इन चीज़ों की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है तो वो इलनेस कैसे हो सकती है राइट तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ डब्लू एच ओ यही कहती है कि हेल्थ आपका वही है जिसमें भी आप फिजिकली केमिकली और बायोलॉजिकली तीनों तरीके से फिट हो तो ही आप एक हेल्दी पर्सन कंसिडर किए जाओगे तो इसकी वजह से क्या है वर्कर को अपना मेंटल स्ट्रेस यहाँ पर उसका इंक्रीज होगा ठीक है तो ये मेंटल स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है तो वो पर्सन अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ हेल्दी कंसिडर नहीं होगा ठीक है तो वो जो कॉज होगा जो उस टाइम पे वो सफर कर रहा होगा वो क्या होगी आपकी ऑक्यूपेशनल इलनेस होगी ठीक है ऑक्यूपेशनल डिजीज आपका वियर आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है ठीक है तो यहाँ पर आपका मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो सकता है और उसी के साथ साथ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है और ये स्ट्रेस भी अगर आपका एक लेवल से ऊपर बढ़ जाता है तो यू नो स्ट्रेस लीड्स टू डिप्रेशन राइट तो ये ऑक्यूपेशनल इलनेस आपके इतनी ज़्यादा सीवियर भी हो सकती है नेक्स्ट आपके पास आता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ आता है साइको सोशल फार्मेसी फार्मेसी हमारे पास क्या होती है आप इस वर्ड को अगर डिवाइड करोगे तो आप यहाँ देख सकते हो साइको प्लस सोशल ठीक है जैसा हम सोशल फार्मेसी में यूजुअली स्टडी करते हैं कि, कि किसी भी मेडिसिन का जो भी है साइंटिफिक ह्यूमेनिस्टिक पर्पज से हम देखते हैं तो उसके साथ साथ में यहाँ पे हम अब मेडिसिन का वो साइकोलॉजिकल पर्पज भी देख देख सकते हैं या फिर किसी भी पर्सन का पेशेंट का साइकोलॉजिकल बिहेवियर प्लस उसका जो भी सोशल बिहेवियर है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए वो यहाँ पर पर्टिकुलरली स्टडी किया जाता है ठीक है साइकोलॉजिकल फार्मेसी में बेसिकली वो भी कह सकते हैं हम कि मान लो अगर आपको कोई भी ट्रीटमेंट एक पेशेंट को दी जा रही है ठीक है अब एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में उस पेशेंट को बहुत सारी स्ट्रिक्ट चीज़ों को फॉलो करना है स्ट्रिक्ट चीज़ों को फॉलो करना है जैसे मान लो उस ट्रीटमेंट में मैंडेटरी है कि उस पर्सन को डाइट को फॉलो करना ही पड़ेगा अदरवाइज वो ट्रीटमेंट आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा या फिर उतना इफेक्टिव नहीं आ पाएगा जितना उसको आना चाहिए और उसके साथ में जैसे आपको एक्सरसाइज के लिए अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब किया है या फिर और इसके साथ में कोई भी स्ट्रिक्ट चीजें आपको अवॉइड करनी है कि ये चीज़ आपको इनटेक नहीं करना है तो नहीं ही करना है अदरवाइज जो भी है आपका डाइट जो है या फिर जो ट्रीटमेंट जो है वो वहाँ पर इन्फ्लुएंस करेगा ठीक है तो कोई भी ट्रीटमेंट है जिसमें आपका डाइट एक्सरसाइज या फिर कोई भी आपको स्ट्रिक्ट फूड को इनटेक करना या फिर नहीं इनटेक करना ये सारी चीजें हैं ये पर्टिकुलर सारी चीजें आपकी साइको सोशल फार्मेसी के अंडर में आती है और इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए दैट इज पेशेंट का पर्सनल बिहेवियर जो भी है कि उसको मेडिकेशन लेना है वैसा या नहीं लेना है तो इन चीज़ों को अगर हम मेंटेन करके चलते हैं तो जो कि आपका ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंडीशन में आ जाता है ठीक है तो इस कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट को थोड़ा सा ईजियर की तरफ लेके जाने के लिए फार्मासिस्ट का यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो क्या करें पेशेंट का साइको सोशल जो भी है बिहेवियर उसको स्टडी करें ठीक है अब साइको सोशल बिहेवियर में आपकी पेशेंट की एज भी आ सकती है उसका जेंडर आ जाता है उसके साथ साथ में अगर कोई भी उसकी मेंटल डिसऑर्डर है ये चीजें ज्यादा मेंटल मेंटली जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ में ज्यादा देखी जा सकती है जो भी उसका मेंटल बिहेवियर है क्योंकि वो यहाँ पर पर्टिकुलरली थोड़ा सा वेरी करता है अगर एक नॉर्मल पेशेंट से हम बात करें तो ठीक है और उसके साथ में यहाँ पर कोई भी डिप्रेशन है या फिर कोई भी ऐसी डिजीज है डिसेबिलिटी है जो भी कोई स्पेशल uh, पेशेंट होते हैं या डिसेबल पेशेंट होते हैं उन सब के केस में फार्मासिस्ट का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये जो ट्रीटमेंट आपका कॉम्प्लेक्स बना हुआ था इस ट्रीटमेंट को वो क्या करे थोड़ा इजी की तरफ लेके जाए साइको सोशल फार्मेसी में बेसिकली ये स्टडी किया जाता है ओके? Okay? नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे टॉपिक आता है ड्रग अब्यूज एंड मिसयूज तो हम यहाँ नाम से दो चीजों को देख पा रहे हैं एक तो आपकी ड्रग अब्यूज है एक आपकी ड्रग मिस है तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है सबसे पहले हम मिस की बात करते हैं कि ड्रग मिस क्या होती है ठीक है कोई पेशेंट है उसको पेशेंट को ऐसी मेडिसिन या फिर ऐसा मेडिकेशन ऐसी ट्रीटमेंट उसको दी गई है जिसमें क्या करना है उसको ऐसी चीज़ों को इनटेक करना है जो कि यहाँ पर उसके लिए मिस यूज़ क्रिएट कर सकती है ठीक है अगर हम डायरेक्टली बात करें किस टाइप की ड्रग्स तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नार्कोटिक्स वगैरह जो ड्रग्स होती हैं ठीक है थीके? ऐसी जो ड्रग्स जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है प्लस उसी के साथ साथ में एडिक्टिव बिहेवियर और उसी के साथ साथ में डिपेंडेंसी भी क्रिएट करती है ठीक है एडिक्टिवनेस दैट मीन्स आप उसके बिना रह ही नहीं पाओगे और दूसरी डिपेंडेंसी कि आपका जो ब्रेन है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाएगा जब तक आपकी बॉडी को वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिलेगी तब तक आपका ब्रेन उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा ठीक है तो मिस में क्या है ऐसी जो आपकी जो भी थेरापेटिक वाली ऐसी एक्टिविटीज वाली जो ड्रग्स हैं उनको आपने प्रिस्क्राइब किया है ठीक है तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो मेडिसिन होती हैं इस केस में वो होती हैं आपकी प्रिस्क्राइब ठीक है प्रिस्क्राइब्ड है उसका थेरेपेटिक यूज होगा आपको थेरापेटिक यूज़ पता है कि किसी भी फार्माकोलॉजिकल या फिर किसी भी पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए आपने वो मेडिसिन दी है थेरापेटिक उसका यूज़ होगा ठीक है अब यहाँ पर मिसयूज उस जग का कैसे हो सकता है उसका मिस यूज़ होगा कि या तो उस पेशेंट ने वो चीज़ इन अप्रोप्रिएट तरीके से ली है ठीक है और यहाँ पे क्या है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ये अन है अन इंटेंशनली उसने ये चीज़ों को इनअप्रोप्रिएट लिया है दैट मीन्स उस पेशेंट को नहीं पता कि अगर मैं ये चीज़ गलत तरीके से ले रहा हूँ तो वो मेरे साथ क्या इफेक्ट डालेगा ठीक है तो यहाँ पे प्रिस्क्राइबड है थेरेपेटिक है तो जो ड्रग का यूज़ हो रहा है वो यहाँ पर इनप्रोप्रिएट यूज़ है या फिर आपकी जो ड्रग है उसकी डोज इनअप्रोप्रिएट है या फिर आपने कोई डोज स्किप कर दी है या फिर आपका जो भी ये नारकोटिक्स वाला है या जो भी ऐसा कोई एक पूरा डोज चल रहा था वो आपने बीच में स्टॉप कर दिया कि ठीक है आई डोंट थिंक कि अब इसकी मुझे और ज्यादा जरूरत है ठीक है तो अनइंटेंशनेली जब आप इन चीजों के साथ में उसका टाइम या फिर डोज लेने में अगर आपसे अनइंटेंशनेली ये टर्म याद रखना अनइंटेंशनेली अगर आप कोई चीज भूल गए हो तब वहाँ पर ड्रग मिसयूज क्रिएट होगा ठीक है ड्रग मिसयूज क्रिएट होगी आपको आपको नहीं पता कि अगर मैंने ये चीज़ें ऐसे फॉलो नहीं की तो वो मेरे साथ ऐसा कुछ बिहेवियर ला सकती है या फिर मेरे को ऐसा कुछ फील करवा सकती है ठीक है आपकी इसमें कोई फॉल्ट नहीं है आपने अन इंटेंशनली ये सारी चीज़ें हुई है अगर ऐसा होता है अन दैट मीन्स आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है थेरापेटिक यूज़ के लिए है आपके लिए वो बेनिफिशियल है उस एक टाइम पीरियड पे उसका एक जितना भी कोर्स है वो आपके लिए उस टाइम पे बेनिफिशियल है तो वो चीज़ यहाँ पर है मिसयूज ठीक है अन इंटेंशनली जब आपके साथ हो रहा है तो वो चीज़ मिस यूज में कंसिडर होगी नेक्स्ट यहाँ पर एक टर्म आती है ड्रग अब्यूज ड्रग अब्यूज क्या है ऐसे पेशेंट्स या फिर ऐसे पर्सन कह सकते हैं हम उन्हें क्योंकि पेशेंट नहीं कहेंगे उन पर्सन को यहाँ पर पता है कि जो भी ड्रग आप लोगे ठीक है सबसे पहला तो वो आपको प्रिस्क्राइब नहीं होती प्रिस्क्राइब नहीं होती उसका कोई भी थेरेपेटिक पर्पज आपकी बॉडी के लिए अभी नहीं है ठीक है ड्रग अब्यूज में मतलब आपको पता है वो आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगा ठीक है आपके ब्रेन पे डिपेंडेंसी क्रिएट करेगा दूसरा एडिक्टिव नेचर भी हो सकता है तो ये चीज़ें इंटेंशनली अगर कोई पर्सन अपनी डेली लाइफ में इन्वॉल्व कर रहा है या फिर वो ड्रग को इंटेक कर रहा है ये जानते हुए भी कि ये मेरे लिए साथ साथ मेरी बॉडी के लिए और मेरी फैमिली फ्रेंड्स के लिए भी मेरे रिलेशनशिप के लिए सबके लिए इफेक्टिव है नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ पर डालेगा उसके बाद में भी अगर कोई पर्सन वो चीज़ खुद से इंटेंशनली अगर उन चीज़ों को कंज्यूम करता है उन ड्रग्स को कंज्यूम करता है तो वो यहाँ पर ड्रग अब कहलाएगा ठीक है यहाँ पर जो भी आपकी ड्रग कंज्यूम हो रही है वो इंटेंशनली हो रही है इंटेंशनली पेशेंट जानता है कि ये मेरे माइंड पे मेरी बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट डाल सकती है फिर भी वो पेशेंट या वो पर्सन वो ड्रग्स को इनटेक कर रहा है ठीक है यूजुअली ऐसा क्यों किया जाता है क्योंकि वो पेशेंट अपना स्ट्रेस या डिप्रेशन या टेंशन जो भी है उन सबको रिड्यूस करने के लिए या फिर जो भी एक टाइम पे जब उसकी डिपेंडेंसी या फिर एडिक्टिवनेस आ जाएगा जब वो उन चीजों को कंज्यूम करेगा तो फिर उसकी डिपेंडेंसी या फिर एडिक्टिवनेस उसको बार बार खुद ही पोक करेगी कि आपको अब आप वो ड्रग दोबारा से लेना पड़ेगा आपकी बॉडी ही इस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी ठीक है तो ड्रग मिस और ड्रग अब्यूज आई थिंक यहाँ पर आपको डाउट क्लियर हो गया होगा मिस में अन इंटेंशनली पेशेंट को नहीं पता होता कि अगर मैं ये चीजों को स्किप कर दूंगा या फिर डोज ऊपर नीचे हो जाएगी तो वो मेरे साथ क्या इफेक्ट ला सकती है ठीक है तो मिस में जो भी आपका मेडिकेशन है वो प्रिस्क्राइब्ड होता है डिजीज के लिए दिया जाता है बट ड्रग अब्यूज में क्या है इंटेंशनली पेशेंट या फिर पर्सन वो चीज़ को इंटेक करता है नोइंग कि उसके जो भी इफेक्ट्स हैं वो आपके साथ क्या क्या हो सकते हैं ठीक है तो ड्रग ऑफ मिसयूज या फिर अब्यूज़ यहाँ पर क्लियर हो गया अब ड्रग अब्यूज़ और मिसयूज किस किस टाइप के ड्रग्स यहाँ पर आप अब्यूज़ या फिर मिसयूज कर सकते हो उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे नेक्स्ट इसमें जो ड्रग्स आती हैं जो कि आपका ड्रग मिस या फिर अब्यूज़ को कॉज कर सकती है उसमें सबसे पहला आपका आता है साइकोट्रॉपिक्स अब साइकोट्रॉपिक्स किस ब्रांच की ड्रग है ऑब्वियसली वही उसी ब्रांच की ड्रग है जो कि आपका क्या कर सकती है ड्रग अब्यूज़ या फिर ड्रग मिसयूज को कॉज कर सकती है ये क्यों दी जाती है किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट का अगर ये भी ड्रग्स दी जा रही है तो उसका बिहेवियर मूड उसकी जो भी थिंकिंग एबिलिटी है जिस टाइप से हम कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन थिंक करता है थिंकिंग एबिलिटी है इन सारी चीज़ों को क्या करेगा ये अफेक्ट करेगा ठीक है साइको अगर हम यूज करते हैं साइकोट्रॉपिक्स ड्रग्स अगर यूज की जाती है तो वो पर्टिकुलर पेशेंट का बिहेवियर मूड उसकी थिंकिंग एबिलिटी जो भी है अदर पर्सन के साथ में अगर हम रिलेट करके देखेंगे तो ये अफेक्ट करता है उस चीज को दैट मीन्स कि अगर कोई पर्सन है वो साइकोट्रॉपिक्स को इनटेक कर रहा है तो उसका बिहेवियर नॉर्मल पर्सन से अलग हो जाएगा दैट मीन्स कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा अब्यूजिव हो जाएगा या फिर थोड़ा वायलेंट हो जाएगा ऐसे करके ठीक है मूड ऑब्वियसली उसका ऊपर नीचे चलता रहेगा थिंकिंग एबिलिटी जो भी है एक नॉर्मल पर्सन जो पॉजिटिविटी के साथ में सोच है, वो 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 चीज उसकी thinking ability कही कहीं कहीं ना करेगी, ठीक ठीक है? है है? है है? है? है अब जो क्यों क्यों दी जाती जब कर 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 रहा है, तो वो कर रहा है? है? कर रहा तो जिस वजह से उसका होगा, अगर और प्रिस्क्राइब करने के बाद अगर ड्रग को लेने में आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो वो चीज ड्रग मिस यूज होगी बट सेम कंडीशन है कोई पेशेंट है वो सारी चीजें नहीं जानता बस उसको ये पता है कि ये ड्रग है, ये मुझे ऐसे ऐसे करेगी तो फिर मैं वो ड्रग को इनटेक कर लूँ तो वो आपका ड्रग अब्यूज होगा ठीक है तो साइकोट्रॉपिक्स में हम सबसे पहले ड्रग आपके पास आती है डॉक्टर्स इसको बेसिकली आपका एनजाइटी में दिया जाता है इस ड्रग्स को डिप्रेशन में भी दे सकते हैं और इसके साथ में अगर किसी पेशेंट को स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं ठीक है तो उन केसेस में भी आपका साइकोट्रॉपिक्स दिया जाता है या फिर हम कह सकते हैं कि साइकोट्रॉपिक्स की जो भी क्लास होती है उसमें आपकी क्या आती है एंटी एनजाइटी ड्रग्स ठीक है एंटी एनजाइटी ड्रग्स आती है एंटी डिप्रेशन ड्रग्स आती है या फिर मूड स्टेबलाइजर्स ड्रग्स आती हैं या फिर एंटी साइकोटिक्स ठीक है बेसिकली क्लासिफिकेशन की बात हो रही है तो ऐसी ऐसी ड्रग्स पर आती है किसी पेशेंट को अगर एंजाइटी ज्यादा है डिप्रेशन है दैट आपके CNS में वगैरह का लेवल ऊपर नीचे हो गया है तो क्या करेगा ऐसी ऐसी कंडीशन में आपको ये मेडिकेशन दी जा सकती है आपका जो भी लेवल है माइंड में सीएनएस की जो भी लेवल है डोपामीन या जो भी न्यूरो हैं आपके उनके लेवल को मेनटेन करने के लिए ठीक है और जब यहाँ पे अगर कोई अनशनल मिस्टेक पेशेंट से हो जाती है तो वो आपकी ड्रग मिस यूज कॉज करेगा अदरवाइज ड्रग अब कर सकता है ठीक है अब इन सारी मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है मतलब ये मेडिकेशन लेने के बाद में क्या करता है सी एन एस पे दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके सीधा बाइंड करती है और वहां पर क्या करती है आपकी डिपेंडेंसी या फिर आपका एडिक्टिवनेस कॉज कर देता है इन केस ऑफ ड्रग अब्यूज ठीक है अगर ड्रग अब्यूज हो रही है तो क्या करेगा मतलब दोनों ही केस में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो सेम रहेगा सी एन एस पे जाके काम करता है न्यूरो ट्रांसमीटर का जो भी लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है ठीक है बट अगर किसी का लेवल ऑलरेडी ठीक है और फिर भी वो ये ड्रग्स ले रहा है तो लेवल जरूर ऊपर नीचे हो जाएगा ठीक है तो ड्रग अब्यूज के, के केस में क्या कर देगा ये डिपेंडेंसी कॉज कर देगा डिपेंडेंसी और उसके साथ साथ में एडिक्टिवनेस भी यहाँ पर कॉज हो सकती है क्लियर ड्रग अब्यूज के, के केस में कोई पेशेंट इसको क्यों लेगा ड्रग अब्यूज वो कब करेगा जब उसको स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन या एक नॉर्मल एन्जाइटी की वजह से अगर उसको ऐसा चाहिए कि मुझे कुछ रिलैक्स होना है तो वो यहाँ पर क्या करता है इन ड्रग्स के ऊपर डिपेंड हो जाता है जब ये ड्रग्स को इनटेक करता है तो अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी जैसे शुरू में तो चलो इतना ज़्यादा नहीं होगा शॉर्ट टर्म के लिए क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए तो क्या है आपको डॉक्टर भी यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर रहा है बट सेम चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए चलती है तब वो आपकी डिपेंडेंसी और एडिक्टिवनेस को सीवियरली कॉज करती है फिर इसके बिना जो भी पेशेंट है या पर्सन है वो वहाँ पर नहीं रह सकता ठीक है ऐसे ही आपकी नेक्स्ट क्लास यहाँ पर आती है नार्कोटिक्स का नेक्स्ट क्लास आता है यहाँ पर नार्कोटिक्स. नार्कोटिक्स है नार्कोटिक्स को हम और क्या कह सकते हैं यहाँ पर ओपोइड्स भी कह सकते हैं अगर कहीं पर भी आप टर्म देखते हो ओपोइड तो वो डायरेक्टली रिलेट कर रही है आपका किससे से नार्कोटिक्स से ठीक है ओपोइड आपको क्यों दी जाती है या फिर नार्कोटिक्स आपको क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन है ठीक है एक्सट्रीम या फिर सीवियर पेन है जो कि आपका नॉर्मल मेडिकेशन से जो भी नॉर्मल आपने एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी इन्फ्लामेट्री एना ड्रग्स दी है उससे भी अगर वो पेन यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो उस केस में डॉक्टर्स आपको क्या करते हैं नार्कोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं अभी नार्कोटिक्स क्या करेगा यहाँ पर डिपेंडेंसी कॉज कर सकता है इन केस ऑफ अब्यूज ठीक है और मिसयूज केस में क्या होगा जब पेशेंट आपका ये चीजों को नॉर्मली या फिर एक रूटीन से जो भी उसका अप्रोप्रिएट मैनर है उस तरीके से नहीं ले पाएगा तो क्या होगा मिस यूज यहाँ पर कॉज हो सकती है अब नार्कोटिक्स या फिर ओपोइड्स क्या करती है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है ये ब्रेन में जाकर के ब्रेन में जो भी आपका ओपोइड रिसेप्टर है ठीक है ओपोइड रिसेप्टर या फिर हम यहाँ पर पेन रिसेप्टर भी कह सकते हैं उस रिसेप्टर पे जाकर बाइंड करती है और जो भी आपकी पेन की सेंसेशन है उसको कंप्लीटली यहां पर रोक देती है पेन का जो भी सेंसेशन है उसको यहाँ पर कंप्लीटली रोक देता है ठीक है तो बहुत ज्यादा जब सीवियर पेन है जो कि अदर मेडिकेशन से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है उस केस में डॉक्टर्स क्या करते हैं आपको ओपोइड्स यहाँ पर क्या करते हैं प्रिस्क्राइब करते हैं और ओपोइड्स क्या होते हैं ऑल्सो नोन एज या फिर कॉल्ड एज नार्कोटिक्स ठीक है एक पॉइंट और है कि आपका इसमें जो नारकोटिक्स है वो ऑप्टेन कहां से होता है बेसिकली एक फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं आपके वहां से चीज आपकी ऑप्टेन होती है ठीक है फ्लावरिंग प्लांट से आपको ओपोइड्स या फिर नार्कोटिक्स मिल सकता है कॉमनली यूज अगर नार्कोटिक्स होते हैं तो कॉमनली यूज में आपके ओपोइड्स आ जाते हैं कैनाबेस और कोकोआ भी आ सकती है कोकोआ ठीक है अब आपको पता है इनकी ड्रग अब्यूज और ड्रग मिस यूज किस किस टाइप से हो सकती है ठीक है नेक्स्ट आपके पास यहां आती है एल्कोहल अल्कोहल नेक्स्ट आपका आता है एल्कोहल एल्कोहल जो यूजुअली कंज्यूम किया जाता है जिस भी फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है वो फॉर्म होती है आपकी इथाइल एल्कोहल ठीक है अब एल्कोहल भी आपका मेडिकेशन पर्पज से या फिर से दिया जाता है यू you यूनो know, जो भी आपके सिरप्स वगैरह होती है उसमें कुछ अमाउंट आपका इथेनॉल या फिर इथाइल एल्कोहल वहां पर गिवन होता है ठीक है बट एल्कोहल क्या है अब आज के टाइम में ये चीज इतनी ज्यादा नॉर्मलाइज हो गई है लोगों में कि जब लोगों को सोशलाइज होना होता है ठीक है जब जैसे बड़ी बड़ी मीटिंग्स या फिर जो भी डीलर्स हैं ये लोग मिलते हैं सोशलाइजेशन के लिए जब सोशलाइज करते हैं तो वहाँ पर क्या होती है अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है तो ये चीज़ क्या क्या कॉज करती है आपका मिसयूज़ कॉज करती है ठीक है अब है तो एक तरीके से ड्रग ही ड्रग के केस में ही आ रही है बट वो चीज़ का बहुत ज़्यादा इंटेक हो रहा है तो वो क्या करेगी एक्चुअली अल्टीमेटली आपकी बॉडी में मिसयूज़ को कॉज कर देगी और मिस को कॉज करेगी और उसी के साथ साथ में आपकी बॉडी पर डिपेंडेंसी कॉज कर देगी या फिर एडिक्टिवनेस कॉज कर देगी अगर आप इसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे कंज्यूम कर रहे हो तो ठीक है एल्कोहल जो है आपकी वो क्या होती है हार्मफुल बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली हार्मफुल होती है आपके लिवर के लिए इन टॉक्स टॉक्सिकेटिंग एजेंट होती है एक तरीके से केमिकल ही है यहाँ पर ये थाइल अल्कोहल एक केमिकल ही आप उसको कंसिडर करके चलो कि आप एक केमिकल को यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हो तो वो आपकी बॉडी पे आपके लिवर के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा ठीक है तो एल्कोहल क्या है आपकी हार्मफुल इन टॉक्सिकेटिंग केमिकल है जो कि आपकी बॉडी में अल्टीमेटली क्या करती है अगर आप इसको आ, कम लिटल अमाउंट में लेते हो तो क्या करेगा आपका ये स्ट्रेस एनजाइटी इन सारी चीज़ों से रिलैक्स कर देगा स्ट्रेस एनजाइटी इन सारी चीजों को रिलीज कर देगा बट अगर इसी सेम चीज को आप लॉन्ग टर्म से ले रहे हो या फिर ओवर मिस इसकी हो रही है तो क्या कर देगी आपकी डिपेंडेंसी भी यहाँ पर कॉज कर सकती है इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी यहाँ पर आज के लोगों में हो गई है कि अबाउट सेवन मिलियन पीपल का मोर्टेलिटी है यहाँ पर इंडिया में कि पर ईयर सेवन मिलियन पीपल यहाँ पर बिकॉज ऑफ एल्कोहल कंजप्शन की वजह से उनकी डेथ हुई है तो एल्कोहल कंज़प्शन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ नेक्स्ट आपके पास आती है टोबैको या फिर इसके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स ये भी आपका ड्रग मिसयूज और ड्रग अब्यूज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉज कर सकता है टोबैको तो क्या होती है बेसिकली आपको एक प्लांट से मिलती है ठीक है उस प्लांट के अंदर क्या है आपका निकोटीन प्रेजेंट होती है वो निकोटीन क्या करती है ये आपका एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपकी बॉडी में जा के वही जो आपको इफेक्ट करती है ड्रग अब्यूज़ के लिए आपके माइंड में जो चीज़ें होती हैं उन सब के ऊपर डायरेक्टली यहाँ पर इफेक्ट डालती है ठीक है निकोटीन जो होती है आपकी निकोटीन जो है यहाँ पर आपकी एक ड्रग है जो कि क्या करती है बेसिकली ब्रेन स्ट्यूमिलेटिंग होती है ब्रेन स्ट्यूमिलाइजर कह सकते हैं हम इसको जो कि क्या करती है बेसिकली ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ होती है ब्रेन की जो काम करने की एबिलिटी है वर्क एबिलिटी है उसको क्या करता है अल्टीमेटली इंक्रीज़ करता है तो निकोटीन एक ड्रग की तरह भी काम आ सकती है और एज यू ऑल नो ड्रग अब्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा काम आती है टोबैको और उसके प्रोडक्ट में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मोस्टली या फिर कॉमनली जनरली यूज आपके पास एग्जाम्पल होती है यहाँ पर सिगरेट सिगार सिगरेट सिगार और आपकी कोई भी पाइप या फिर आपकी च्विंगम्स या फिर और भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपके पास आते हैं जिसके अंदर आपका निकोटीन या फिर टोबैको उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेड होता है या फिर इन्वॉल्व होता है ठीक है सिगरेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज है मोस्टली यूज ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बहुत ज्यादा हेल्थ रिस्क हो सकते हैं टोबैको के और उसके प्रोडक्ट्स के आपकी हेल्थ के ऊपर हेल्थ इफेक्ट के साथ साथ में क्या होगा यहाँ पर उसके बहुत साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और साइड इफेक्ट या फिर हम हेल्थ इफेक्ट की अगर यहाँ पे बात करें हेल्थ इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं अगर आप टोबैको को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हो तो क्या होता है लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म पे ही हमें ये सारी चीजें फील होगी या हमारी बॉडी में ये हेल्थ रिस्क लॉन्ग टर्म पे ही होंगे इनिशियल लेवल पे शॉर्ट टर्म से ही स्टार्ट शॉर्ट टर्म ही बाद में जाके लॉन्ग टर्म बनता है इसीलिए शॉर्ट टर्म पे भी हमें उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए ठीक है अब इसके हेल्थ इफेक्ट की बात आ रही है तो हेल्थ इफेक्ट में सबसे पहला आपका क्या कॉज हो सकता है कि डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सी ओ पी डी डेवलपमेंट ऑफ सीओपीडी सी ओ पी डी यहां पर आपकी क्या होती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी ठीक है सीओपीडी क्या होता है आपका क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और जहां पर भी आपका पल्मोनरी आ रहा है उसका मतलब है लंग्स की कुछ बात हो रही है ठीक है अब लंग्स की बात हो रही है दैट मीन्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव कोई भी आपका लंग डिजीज है तो लंग डिजीज में क्या करता है बेसिकली COPD ओ केस में ऐसा होता है आपका एयर फ्लो जो भी है लंग्स में आपकी एयर फ्लो होती है ठीक है और लंग्स में क्या है आपका एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है एल्वियोलाई में क्या होता है बेसिक जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब जैसे हमने ऑक्सीजन को हम इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है वो पर्टिकुलरली जाके लंग में एक पार्ट है एल्वियोलाई वहाँ पर होती है ठीक है तो ये एल्वियोलाई के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करती है जिसकी वजह से आपका एयर फ्लो भी रुकता है और उसके साथ साथ में ब्रीदिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग को भी अपोज करता है या फिर यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगती है ठीक है अब इसके साथ साथ में हेल्थ इफेक्ट में और क्या हो सकता है सीवियर आपकी लंग इन्फेक्शन भी हो सकती है यहाँ पे एक तो आपका सी हो गया ठीक है सी और सीओ जो डिजीज है अगर ये एक बार हो जाती है तो इसको रिवर्स करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ठीक है बहुत ज्यादा मुश्किल है इसको दोबारा से रिवर्स करना नेक्स्ट यहाँ पर आपका कोई भी सीवियर लंग डिजीज हो सकता है और इसके अलावा अगर लंग के किसी भी पार्ट में दैट इज ब्रोंकियस है या फिर और अदर पार्ट जो भी आपके लंग में है अगर वहां जाके भी कोई सीवियर इन्फेक्शन या फिर डिजीज कॉज हो सकती है तो वहां पर आपका लंग डिजीज कॉज हो सकता है लंग डिजीज भी हो सकती है या फिर आपका लंग का कैंसर भी यहाँ पर क्रिएट हो सकता है ठीक है और उसके साथ साथ में पीओडी की भी डेवलपमेंट हो सकती है पीओडी दैट मीन्स पैप्टिक अल्सर डिजीज ठीक है मतलब लंग के साथ साथ में ये आपके पैप्टिक अल्सर को भी कॉज कर सकता है और उसके साथ साथ में हाइपरटेंशन को भी डेवलपमेंट आपकी हाइपरटेंशन की भी हो सकती है हाइपरटेंशन में क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर जो है बीपी का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है ठीक है और इसके साथ साथ में और भी जो भी आपकी सीवीएस की डिजीजेज होती हैं दैट इज़ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की जो भी डिजीज़ है कार्डियोवेस्कुलर डिजीज को भी ये कॉज यहाँ पर कर सकता है तो टोबैको या फिर हम पूरा मेजरली बात करें तो जितने भी आपके साइकोट्रॉपिक्स एल्कोहल टोबैको निकोटीन ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये अल्टीमेटली आपकी ये सारी चीज़ों को कॉज कर सकती है ठीक है ये सारे आपके हेल्थ इफेक्ट्स यहाँ पर हो सकते हैं इन सारी ड्रग्स के नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं आपका सोशल इम्पैक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज़ कि जो भी हमने अभी ड्रग अब्यूज़ या फिर ड्रग मिसयूज़ पढ़ा है उसका सोशल इम्पैक्ट आपका क्या हो सकता है सोशल इम्पैक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज हैबिट ऑन हेल्थ ड्रग अब्यूज़ हैबिट ऑन हेल्थ हेल्थ प्लस आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है प्रोडक्टिविटी पे और उसी के साथ साथ में सुसाइडल बिहेवियर मेजरली हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो भी ड्रग्स अभी हमने यहाँ पर देखी दैट इज़ आपका कौन कौन सा था टोबैको नार्कोटिक्स एल्कोहल ये सारी चीज़ें ठीक है तो सबसे पहले साइकोट्रॉपिक्स हमने देखा था साइकोट्रॉपिक आपकी क्या कर सकती है डिपेंडेंसी भी कॉज कर सकती है और एडिक्टिवनेस भी कॉज कर सकता है बेसिकली ये दोनों चीज़ें आपकी हर एक टाइप का ड्रग कॉज कर सकता है क्योंकि ये लोग क्या करती हैं डायरेक्टली आपका सी के ऊपर जाके बाइंड करती है दैट मीन्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर सीधा जाके बाइंड करती है तो नार्कोटिक्स एल्कोहल और आपका टोबैको या फिर टोबैको के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनका अब ड्रग अब्यूज़ या फिर इनकी जो भी हैबिट है जो भी ड्रग आप अब्यूज़ कर रहे हैं ये टाइप्स की ड्रग जो हमने देखी है उसकी हैबिट आपकी हेल्थ के ऊपर आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर और उसके साथ साथ में आपके सुसाइडल बिहेवियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल सकती है बेसिकली वो इस टॉपिक uh, में यहाँ पर मेजरली कंसिडर हुआ है जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है आपका इफेक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज़ इफेक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज़ या फिर ड्रग मिसयूज ऑन योर रिलेशनशिप्स रिलेशनशिप्स एंड ऑब्वियसली फ्यूचर पे आपका क्या इम्पैक्ट आएगा सबसे पहले यहां पर ये इफेक्ट आएगा कि ड्रग अब्यूज जब आप कर रहे हो अब यहाँ पर आपको क्लियर है कि ड्रग अब्यूज मतलब क्या है कि वो पर्सन क्या कर रहा है इंटेंशनली उन मेडिकेशन को ले रहा है और अब जब उसकी हैबिट हो गई है तो वो क्या करेगा आपकी बिहेवियर पे क्या क्या इम्पैक्ट डाल सकता है जिसमें सबसे पहले आपका ये आता है कि ड्रग अब्यूज या फिर ड्रग मिसयूज का मेजरली हम यहाँ पर ड्रग अब्यूज की बात कर रहे हैं ठीक है तो ये रिलेशनशिप के ऊपर फ्यूचर के ऊपर कैसे भी इफेक्ट आपका डाल सकता है ऑब्वियसली सबसे पहले तो क्या होगा जब ड्रग अब्यूज हो रही है तो आप काम पे फोकस या फिर कंसंट्रेट यहां पर नहीं कर पाओगे ठीक है फोकस कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो किसी भी काम पे दैट मींस अगर हम बात करें अगर आप कोई जॉब करते हो वहां पर आपका कोई भी फोकस कंसेंट्रेशन नहीं हो रहा है तो जिसकी वजह से क्या होगा अब आपका जॉब भी जा सकता है दैट मीन्स आप जॉबलेस भी हो सकते हो जॉबलेस जाएगा उसके साथ साथ में रिलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज से सफर कर रहे हो तो आपके साथ साथ आपका फैमिली और फ्रेंड भी वहाँ पर सफर करता है ठीक है तो इसका जो ड्रग अब्यूज है इसका मेजर इफेक्ट आपकी रिलेशनशिप्स के ऊपर होता है प्लस आपकी फ्यूचर के ऊपर होता है फ्यूचर दैट मीन्स आपके पास कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है जॉबलेस हो कुछ टाइम बाद होमलेस भी हो जाओगे ऐसे करके ठीक है नेक्स्ट इफेक्ट आता है आपकी सेफ्टी के ऊपर सेफ्टी ऑब्वियसली आपकी मैटर करती है क्योंकि जब आपका यहाँ पे ड्रग अब्यूज का इंटेक बढ़ जाएगा या फिर जो भी आपकी ड्रग्स आप यूज कर रहे हो इनका इंटेक जब आपकी बॉडी पे जाएगा तो आपकी जो हेल्थ है वो सेफ तो नहीं रहेगी ऊपर से इसके बाद में क्या होगा आपकी सोशल इम्पैक्ट दैट मीन आपकी जो भी बिहेवियर है आपकी थिंकिंग है उसके ऊपर ये बहुत ज्यादा इम्पेक्ट डालता है तो आप अपना सेफ्टी का आई डोंट थिंक इस केस में अपने लिए बिल्कुल भी सोच पाते हो जैसे अगर ड्राइव भी कर रहे हो तो ड्राइव भी वो बहुत सुपर फास्ट होती है ठीक है तो ऐसे आपके कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर आ सकते हैं वैसे ही आपका नेक्स्ट इम्पैक्ट यहाँ पर आपका हो सकता है फाइनेंशियल प्रेशर फाइनेंशियल प्रेशर में क्या आ सकता है अब ये जो भी ड्रग अब्यूज हो रही है ड्रग अब्यूज हो रही है तो एक टाइम के बाद में क्या होगा इनकी डिपेंडेंसी या फिर एडेक्टिवनेस कॉज होगी ही होगी ठीक है अब जब आपकी डिपेंडेंसी और उसकी एडेक्टिव कॉज हो रही है दैट आपकी बॉडी डिमांड कर रही है अब आपको अगर आपको वो चीज नहीं मिलती तो आप उस चीज के लिए बहुत ज्यादा एंक्स हो जाएंगे या फिर ऐसी चीजों के लिए अब आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं अगर आपको वो चीज नहीं मिली तो अब इसमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं है अब आपका ब्रेन जो है अब वही इन चीजों की डिमांड कर रहा है अब जब ब्रेन डिमांड कर रहा है तो आप उस चीज को अपोज नहीं कर पाते हो इस केस में क्या करते हैं आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है फाइनेंशियल प्रेशर मीन्स ऑब्वियसली अब आपको अमाउंट चाहिए मनी चाहिए ये ड्रग्स को परचेज करने के लिए और ये भी जो ड्रग्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं ऐसा नहीं है कि ये ड्रग्स जो भी है आपको नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएगा ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ठीक है नेक्स्ट इसी के साथ साथ में और क्या आपके पास इफेक्ट आ सकता है नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है वॉयलेंस क्रिएट हो जाती है बिहेवियर में वॉयलेंस मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होना वो पर्सन खुद से ही शुरू कर देता है ठीक है और इसके साथ साथ में होमलेसनेस भी आ सकती है होमलेसनेस दैट मीन्स अगर घर में पैसों के लिए अगर आप रॉबरी करते हो थेफ्ट करते हो चोरी कर सकते हो क्योंकि अब आपको वो चीज़ चाहिए अब आपकी ब्रेन को वो चीज़ डिमांड कर रही है तो अब आप उसके लिए किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकते हो तो ऐसे केस में आपके रिलेशनशिप इफेक्ट होंगे और वहाँ पर आप होमलेस भी हो सकते हो ठीक है और इसके साथ में आपका आ सकता है लीगल इश्यूज अब आप इतने सारे इश्यूज में जब पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपका लीगल इशू भी पर कॉज हो सकता है ठीक है और इसके साथ साथ में आपका बिहेवियर जो है वो सुसाइडल बिहेवियर भी आपका यहाँ पर कॉज हो सकता है ठीक है क्योंकि क्या होगा अगर ये चीजें आपको नहीं मिलती तो आपकी बॉडी सबसे पहले क्या करेगी थोड़ा सा डिप्रेस फील करेगी या फिर आपका माइंड में क्या होगा डिप्रेशन फील होगा डिप्रेशन होगा अगर आपको इस लेवल पे वो ड्रग अपना मिल जाता है तो यू विल फील ओके अदरवाइज क्या होगा ये डिप्रेशन धीरे धीरे लीड करेगा जैसे कि अगर आपकी फैमिली हॉस्पिटल्स में या फिर ये चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको लेके जाते हैं तो डिप्रेशन आपका क्या कॉज करता है डिप्रेशन ऑलवेज लीड्स टू सुसाइड इसलिए डिप्रेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि डिप्रेशन में आपके जो भी न्यूरो का लेवल है वो डिस्टर्ब होता है और अल्टीमेटली आपके ब्रेन को ऐसे सिग्नल्स देता है टू सुसाइड ठीक है इसीलिए ड्रग अब्यूज बहुत ज्यादा गलत चीज है ड्रग अब्यूज को हमने नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी और जब आपके प्रिस्क्राइब है ये चीजें तो प्रिस्क्राइब्ड है तो उसको मिस नहीं बनने देना है दैट मीन्स जिस भी तरीके से आपको डॉक्टर ने ये चीजों को प्रिस्क्राइब किया है उसी तरीके से आप इसको इंटेक करें अदरवाइज आपका ड्रग मिसयूज कॉज हो सकता है ठीक है तो ड्रग अब्यूज तो इंटेंशनल होगा बट ड्रग मिस अगर अन इंटेंशनल हो जाता है तो उसको भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको वो चीज आपके माइंड पे जाके किस तरीके से बिहेव कर रही है या फिर आपका इफेक्ट डाल रही है ठीक है तो स्टूडेंट्स इसमें जो आपका सेकेंड चैप्टर था प्रिवेंटिव हेल्थ केयर उसमें इतना ही पार्ट है आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ओके स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच